अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जो कि फाइनल एग्जिट या तो जा रहे हैं या तो छुट्टी जा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी अपडेट आई है सऊदी एयरपोर्ट की तरफ से कि आप लोग जो भी लगेज में लेके जाते हैं तो उसमें जो है सामान कुछ लेके जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है कुछ चीज़ों को जो है बैन किया गया है यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या सामान आप अपने लगेज में ले जा सकते हैं, कितना गोल्ड ले जा सकते हैं, कितना आप सोना ले जा सकते हैं, कितना मोबाइल ले जा सकते हैं, कितना आप लैपटॉप ले जा सकते हैं या फिर कितना रियाल कैश ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं इन सारे चीज़ को आपको अच्छे से करके बताऊँगा कि क्या आप ले जा सकते हैं, कितना आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं, आपके बैग का साइज़ क्या होगा। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि आदमी को पता नहीं होता, वो एयरपोर्ट पे जाता है फिर उसका जो है लगेज खोल दिया जाता है या फिर कुछ सामान जो है उनका फेंका जाता है। तो इस वीडियो को गौर से देखें, एक एक चीज़ को समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी छुट्टी या फिर फाइनल एग्जाम जा रहे हैं तो उनको पहले से पता हो कि उनको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूम वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक न्यूज़ है जो कि अनाउंस किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं आइटम बैन फ्रॉम सऊदी बिंग टू इनटू सऊदी अरेबिया। ठीक है मेरे भाई लोग, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ लिखता होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक लिस्ट है कि क्या क्या आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कम्प्लीट लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबिया कस्टम। तो यहाँ पे जो है जैसे कि अब हम यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है यहाँ पे सीधा स्क्रॉल कर लेता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं लेकिन इसके बीच में मैं आपको बताता भी चलूँगा क्या क्या आप लेके जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रॉल करके, आप वीडियो को पॉज करके अपना जो है एक एक करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता भी चलूँगा क्या क्या आप नहीं लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल सिगरेट हो गया, पावर बैंक हो गया, तो ये सब चीज़ जो है आप जो है बैग में यानी लगेज में लेके नहीं जा सकते हैं। उसमें जो है लिक्विड नहीं लेके जा सकते हैं, कोई ऐसा शार्प चीज़ जैसे नाइफ हो गया, आपको चाकू या फिर सीज़र यानी कि कैंची हो गया, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में जैसे कि आप बहुत सारे आदमी लोग जो है यहाँ से टूल्स वगैरह भी लेके जाते हैं, तो ऐसी चीज़ जो है आप लगेज में लेके नहीं जा सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है जैसे टॉक्सिक चीज़ है या फिर कोई लिक्विड आइटम है या फिर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी मटेरियल है, और भी यहाँ पे है जैसे मैग्नीशियम है या फिर कंप्यूटर डिवाइस है यानी फोनोग्राफी का, उसमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन फोनोग्राफी कोई फ़ोटो वीडियो इस टाइप का कोई बुक हो या सीडी हो तो वो नहीं लेके जा सकते हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे जो है बहुत सारा आइटम है जो कि यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है अलाउ नहीं किया गया है कि आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आपको जो है भारी जुर्माना हो सकता है और साथ में जो है आपको यहाँ पे बहुत परेशानी भी देखने पड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ड्रिंक है तो अल्कोहल वगैरह ये फिर ये सब चीज़ जो है आप नहीं लेके जा सकते हैं, कोई तरह का केमिकल वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप अल्कोहल या फिर अल्कोहल से बना हुआ कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं। और जो है इसमें आप नाइट विज़न, जो लोग भी कुछ लोग पढ़े लिखे जो मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं इसमें जैसे बायोनोकुलर्स हो गया, नाइट विज़न इक्विपमेंट हो गया और टेलीफोनिक इक्विपमेंट हो गया, ड्रोन हो गया, तो ये सब भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग फ्रॉग मीट यानी कि ये सब मीट वगैरह भी आप लेके यहाँ पे उसमें जो है नहीं जा सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारा है इसलिए मैंने इसमें आपको पूरा नहीं बताया क्योंकि पूरा बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है मिलिट्री यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट ऑफ काइंड यानी एनी काइंड, यानी कि मिलिट्री से जुड़ा हुआ कोई यूनिफॉर्म या फिर कोई उससे जुड़ा हुआ कोई मटेरियल या फिर कोई जो है सामान नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और भी है, अब बात आते हैं सीधे सीधे यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो है मेरे वीडियो में ये भी सवाल करते हैं कि भाई हम कितना जो है बैग का साइज़ रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बताया गया है कि कितना आपका बाइक का साइज़ होना चाहिए और कितना आपका जो है बैग का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट
ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं 300 सेंटीमीटर का आपका जो है चौड़ा होना चाहिए और 118 सेंटीमीटर जो है आपका लंबा होना चाहिए बैग का साइज़, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ से सऊदी में जाते हैं तो उनका जो है, इंडिया वालों को तो मुझे अच्छे से पता है, पाकिस्तान वालों को उतना मेरे नहीं मालूम है, तो आप लोग थोड़ा सा अगर बोलेंगे तो मेरे कमेंट करेंगे वीडियो में तो मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब देके आपको सही जो है जानकारी दे दूंगा। तो इंडिया वालों के लिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 300 सेंटीमीटर का लंबा जो है चौड़ा होना चाहिए और 118 सेंटीमीटर का जो है हाइट होना चाहिए। और उनका जो है 30 kg का जो लगेज होता है तो उसको आपको जो है 15 kg का दो बैग बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो है मैंने साइज़ भी बता दिया, वेट भी बता दिया। और यहाँ पे जो है कोई डोमेस्टिक वर्क जो डोमेस्टिक फ्लाइट में अगर करते हैं ट्रैवलिंग तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो है यहाँ पे सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे जो है 32 kg तक का जो है आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। सिंगल भी होगा तो भी चलेगा, डबल होगा तो भी चलेगा। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग जो है बोलेंगे कि भाई मैं पावर बैंक ले जाता हूँ या इलेक्ट्रिकल सिगरेट ले जाता हूँ या फिर कोई भी इस तरह का आइटम लेके जाता हूँ तो किस में लेके जाना। तो ये भाई लोग, आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी लेके जाते हैं जैसे कि कोई बैटरी हो, ट्रिपल ए बैटरी हो, डबल ए बैटरी हो, या फिर कोई रिचार्जेबल बैटरी हो, या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, या फिर ट्रिमर वगैरह हो, या फिर कुछ भी ऐसा रिचार्जेबल या फिर बैटरी जिसमें बैटरी लगता हो उस तरह का कोई आइटम होगा तो आपको अपने हैंड बैग में लेके जाना। और हैंड बैग का जो वेट होगा वो 7 kg का होगा, उसमें 1-2 kg आप एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं तो मुश्किल नहीं होता है यहाँ पे। तो ये भी मैंने बता दिया कि बैग का साइज़ कितना होना चाहिए, बैग का हाइट कितना होना चाहिए, कितने केजी का आपको जो है बैग बनाना पड़ेगा, ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछेंगे कि भाई गोल्ड कितने लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं कि मैन जो है वो 20 ग्राम तक का सोना लेके जा सकता है और जो वुमेन है वो 40 ग्राम तक का सोना लेके जा सकता है। लेकिन मैन के लिए जो है 20 ग्राम का सोना का जो वैल्यू होना चाहिए वो 50,000 यानी कि 50,000 इंडियन करेंसी का होना चाहिए, क्योंकि जो है गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है और इंडियन करेंसी भी जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि मैंने 20 ग्राम बोला तो आप 20 ग्राम ही ले लें। आप एक बार कैलकुलेट कर लें कि आपका ने जो सोना लिया है वो इंडियन करेंसी के 50,000 के बराबर होना चाहिए और जो लेडीज़ होंगी वो 40 ग्राम नहीं लें, पहले अपना गोल्ड दे चेक कर लें कि उनका जो है 1 लाख इंडियन करेंसी के बराबर आपका गोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो है बिस्किट आप लेके नहीं जा सकते हैं, बिस्किट यहाँ पे मना किया गया है सभी के लिए। तो ये हो गया गोल्ड का बात। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मोबाइल के लिए पूछते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल के लिए भी आपको बता देता हूँ कि मोबाइल कितना पीस लेके जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए है हाउ मेनी मोबाइल, यहाँ पे देख सकते हैं ओनली वन, यानी कि एक मोबाइल कोई भी यहाँ पे से आप लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लगेज में डाल करके एक मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन जो दो मोबाइल लेके जाना चाहते हैं तो उनको मैं एक टिप्स दे देता हूँ कि आप जो है उसको सील पैक ना रखें, उसको खोल दें, खोल करके पूरा अलग अलग कर लें, डब्बे को जो है बैग में या लगेज में डाल दें और दोनों फ़ोन को अपने हाथ में या फिर अपने पॉकेट में लेके आप कैरी करें, तो फिर आपको कस्टम में उतना परेशानी नहीं होगा, आपका मोबाइल भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल का भी बात हो गया। अब यहाँ पे है कि भाई हम लोग कितना जो है लैपटॉप लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लैपटॉप के लिए भी सेम चीज़ है, लेकिन लैपटॉप आप एक ही लेके जा सकते हैं, दो की ज़रूरत आपको नहीं है, आप दो जो है नहीं लेके जा सकते, सिर्फ एक ही लैपटॉप आपको लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैपटॉप का भी बात हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि कितना जो है हम लोग करेंसी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं आप जो है 18,000 रियाल तक का करेंसी लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो मशवरा रहेगा भाई लोग आप इतना करेंसी लेके ना जाएं, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रियाल तक का करेंसी लेके जाएं, ये आपके लिए बहुत बेहतरी होगा, बाद में आपको परेशानी नहीं होगा। तो ये जो था लगेज का जो रूल था जो 2024 में आपके लिए आया है, मैंने आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और उसमें जो है एक चीज़ और आपको ख्याल रखना है यहाँ से जाने से पहले कि आप जो भी लगेज बनाएं उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से रैपिंग करें। अगर आपका रैपिंग थोड़ा सा भी गड़बड़ रहेगा तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपका फिर से दोबारा रैपिंग किया जाएगा और पर लगेज का जो है 70 रियाल या फिर 50 रियाल आपको चार्ज पड़ेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप रैपिंग सही से कर लेते तो आपका वो पैसा बच सकता है, नहीं तो फिर आपको एयरपोर्ट पर जाने के बाद 50 से 70 रियाल तक का आपको चार्ज लगेगा एक लगेज के लिए। अगर आपके पास दो है तो फिर 140 रियाल और तीन है तो 210 रियाल। इसी तरीके से आपका हर बैग पे 70 से 50 रियाल एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके मदद से दूसरे लोग को भी इस चीज़ का हेल्प मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का ये रीज़न था कि जो लोग भी फाइनल एग्जिट या छुट्टी जा रहे हैं उनके लिए ये अपडेट थी जो मैंने आपको साथ शेयर किया है। आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कर लें, यहाँ से जब भी सऊदी से एयरपोर्ट पर जाने हों या अपने मुल्क जाना हो तो ये सारी चीज़ जो मैंने बताई है, जो मैंने लिस्ट में दिखाया है, उसे आप वन बाई वन करके चेक कर लें कि इस तरह का आइटम आपके लगेज में नहीं होना चाहिए। रिचार्जेबल कोई भी बैटरी वगैरह या फिर कोई भी शार्प चीज़ आपके लगेज में नहीं होना चाहिए, हैंडबैग में नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें और एक सब्सक्राइब दे दें ताकि मेरे भाई मुझे आपसे जो है आपका प्यार मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।